आखिर सांप के काटने से नेवला क्यों बच जाता है? क्या नेवले के अंदर सांप से भी ज्यादा जहर होता है? और जब दोनों की भयानक लड़ाई होती है तो फिर सांप को दुम दबाकर क्यों भागना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो नेवला सांप से काफी ज्यादा फुर्तीला होता है, लेकिन लड़ाई के दौरान नेवला अपने फरों को काफी सख्त कर लेता है, जहां सांप अपनी जान बचाने के लिए नेवले पर कई हमले करता है, लेकिन नेवले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। देखिए, नेवला अपनी खाल को मोटी और सख्त कर लेता है, और जब सांप उसको काटता है तो उसके बहुत देर बाद जाकर नेवले पर असर पड़ता है। लेकिन नेवले के अंदर पहले से ही एंटीडॉट होता है, जो कि सांप के जहर को सहन कर सकता है, इसलिए नेवला बच जाता है। अब अगर सांप इंसानों को काट ले तो इंसान की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन अगर नेवला काट ले तो इंसान की जान काफी हद तक बच सकती है।